नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क टीम वॉरियर में। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ है। जैसा कि कल 25 मार्च था और एटॉमी इंडिया की वेबसाइट ऑफिशियली ओपन होने वाली थी। जितना भी डाटा था एटॉमी इंडिया मेंबर्स का, एज ए कंज्यूमर मेंबर जो भी आपका डाटा था, वो एटॉमी कोरिया की वेबसाइट से एटॉमी इंडिया की वेबसाइट पे माइग्रेट होने वाला था, और जो आपकी आईडी है एज ए कंज्यूमर मेंबर, वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मेंबर में कन्वर्ट होने वाली थी। एज ए कंज्यूमर मेंबर टू एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर में वो कन्वर्ट होने वाली थी, और जो प्रोसेस है वो 25 मार्च से स्टार्ट होना था। अभी जैसा कि करंट सिचुएशन आपको पता चल रहा है कि कोरोना वायरस का रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी कदम उठाए हैं, लॉकडाउन की घोषणा की है। हरियाणा में, गुरुग्राम में एटॉमी कार्यालय पर भी वो लागू होता है। गुड़गांव में पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया है, काफ़ी केस मिले वहाँ कोरोना से। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ये डिसीजन लिया है कि शहर सिटी को लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें, और ये जो वायरस से बीमारी है, कोरोना वायरस की जो बीमारी है, ये इसका संक्रमण ना हो कहीं पे, ना फैलने ये बीमारी, ठीक है। इसके बाद जो भी यातायात के साधन हैं, जितनी भी जो एक्टिविटी है सिटी में, बहुत ही कम हो गई हैं, और लॉकडाउन 22 मार्च से 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा। जो भी गवर्नमेंट की सेवाएं हैं वो स्टार्ट रहेंगी, जैसा कि फूड, जो कि ग्रोसरी की शॉप है, सब्जी की दुकान है, मेडिकल फैसिलिटीज़ या हॉस्पिटल है, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सभी ओपन रहेगी, उनकी शॉप दुकान ओपन रहेगी ओनली। और जो भी बाजार है, बड़े बड़ी बाजार है, ऑफिस है, कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी शट डाउन कर दी गई है कोरोना की वजह से, और घरों के बाहर निकलने व अन्य सभी गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। तो सरकारी नोटिस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो नोटिस है, वो एटॉमिक कर्मचारियों के ऊपर भी लागू होता है दोस्तों। तो एटॉमिक कर्मचारी जितने भी एटॉमिक के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने 23 मार्च 2020 से अपने घर से वो काम करना शुरू कर दिया है। जो भी कस्टमर केयर सर्विसेज हैं, ईमेल सर्विसेज हैं, व्हाटएवर पॉसिबल सर्विसेज जो वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो सब वो अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं, और अभी एटॉमी ऑफिस में जा नहीं सकते। चूँकि अभी एटॉमी ऑफिस में जा नहीं सकते, इसलिए एटॉमी ऑफिशियल्स ने जो डेट है 25 मार्च की एटॉमी इंडिया वेबसाइट ओपनिंग की, वो पोस्टपोन कर दी है, और 31 मार्च के बाद वो अनाउंस करेंगे नई डेट, ठीक है। और जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो सर्कुलर आएगा, लॉकडाउन अगर कैंसिल कर दिया या कंटिन्यू रहता है 31 मार्च के बाद, जो भी सिचुएशन होगी उसको देखते हुए एटॉमी इंडिया ऑफिस अपना डिसीजन लेगा, ठीक है। जो भी ऊपर लिखे हुए कारण, जितने भी आपको भी बताए गए, एटॉमी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन एटॉमी कोरिया वेबसाइट से एटॉमी इंडिया की तारीख जो कि इसमें दिखा रखी है 25 मार्च से, वो आगे बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो एटॉमी के जितने भी मेंबर्स हैं, और इसमें दूसरे सबसे बड़ी अपडेट्स आप बिल्कुल डाउन साइड में देखिए, एटॉमी ने हमेशा मेंबर्स के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। बिल्कुल ठीक बात है, अगर हम सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हम एटॉमी का बिजनेस कर जाएंगे। जान है तो जान है, तो अपने आप को जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन दी गई है, कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है, और अभी इसका इलाज भी अभी फाइनल इंडिया में अभी रिसर्च चल रही है, मेडिसिन वगैरह अभी आई नहीं है, लेकिन आप सब लोग इससे बच कर रहिए। जितने भी एटोमियंस हैं, आप अपने और अपने फैमिली को सेफ रखिए, घरों के अंदर रहिए। जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, खाने पीने की या मेडिकल सर्विसेज, घर का एक मेंबर ही घर से बाहर निकलिए, ठीक है। और उसके आने के बाद जो भी अपने हाथ वगैरह धोइए सैनिटाइजर से अच्छी तरीके से। तो सारी सेफ्टी मेजर्स आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को सभी को लेनी है इस दौरान, ठीक है। इस अवधि के दौरान सदस्यों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे इस अवधि में हमारे साथ रहें, क्योंकि हम भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना है। तो एटॉमी इंडिया की तरफ से क्लियर कट मैसेज है कि आप सभी लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी डिसीजन है लॉकडाउन का, उसका पालन करें और हमारे साथ रहें, जैसा कि हम भी पालन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन का। जो भी एटॉमी इंडियन ऑफिशियल्स हैं, मिस्टर इम्तियाज अली जो भी MD हैं, उनकी पूरी टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों का पालन कर रही है, तो आप सबको भी पालन करना है। ये एटॉमी की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है, और हम सभी लोग पालन करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लास्ट की जो लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए आप, इसको बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, कन्फ्यूज में ना रहें, ठीक है, और ना ही अपनी टीम को रखिए। हम जल्दी ही सदस्यों के माइग्रेशन प्रोसेस की दिनांक की घोषणा करेंगे, और साथ ही साथ बिजनेस लॉन्च के बारे में भी अपडेट करेंगे। बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों ये, ठीक है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। बहुत ही जल्दी 31 मार्च से पहले या 31 मार्च के बाद जो सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से एटॉमी इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स को देखते हुए, एटॉमी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्चिंग की डेट और एटॉमी इंडिया बिजनेस
ऑफिशियली ओपन होने की डेट वो बहुत ही जल्दी आपको अपडेट करेंगे, तो काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी खुशी की बात है। जैसा कि एटोमी डिक्लेयर कर चुकी है कि एटोमी इंडिया ऑफिशियल विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल से जून के बीच एटोमी को स्टार्ट होना है, और जो ओपनिंग की फाइनल डेट है वो भी बहुत जल्दी एटोमी ऑफिस स्टार्ट करेगा। और उससे पहले क्या है कि जो भी कंज्यूमर का डाटा है एटोमी कोरिया की वेबसाइट पर, जो भी हम रजिस्ट्रेशन हमारा हो रहा था हमारी टीम का पूरा डाटा एज ए कंज्यूमर मेंबर हो रहा था, तो उस पूरे के पूरे डाटा को एज ए कंज्यूमर मेंबर से डिस्ट्रीब्यूटर मेंबर में कन्वर्ट करने के लिए एटोमी इंडिया की वेबसाइट पर माइग्रेशन स्टार्ट होना था 25 मार्च से, जो कि अभी 31 मार्च के बाद होगा, और जैसा भी डेट आपको बताया जाएगा। तो लॉन्च होने से पहले जितना भी डाटा है, 10 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं और सभी का डाटा माइग्रेशन करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो 15 से 20 दिन मान के चलिए या एक महीना, जितना भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो मान के चलिए अप्रैल में 15-20 अप्रैल तक पूरा का पूरा डाटा माइग्रेशन का काम चलेगा। जैसे ही सभी का डाटा एटोमी इंडिया की वेबसाइट पे माइग्रेट हो जाएगा और सभी की KYC कंप्लीट हो जाएगी, आधार कार्ड वेरिफिकेशन, पैन कार्ड वेरिफिकेशन और बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद एटोमी इंडिया ऑफिशियली अपनी जो डेट है फाइनल ओपनिंग की डेट अनाउंस करेंगे, तो काफ़ी खुशी की बात है दोस्तों। अभी आप घर बैठ के ऑन फोन, ऑन सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने टीम से कनेक्ट रहिए, बात कीजिए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इंक्रीज करते रहिए, और मास्टरशिप बोनस अवेल करने के लिए आपकी टीम का मास्टरशिप प्लान बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप नए मेंबर हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको एटोमी इंडिया और इंटरनेशनल ग्लोबल न्यूज़ एटोमी की तरफ से जो भी ग्लोबल न्यूज़ है आपको इस चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और नए मेंबर हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एटोमी टीम वॉरियर के साथ, तो टीम वॉरियर के साथ आप ज्वाइन कीजिए। टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम इंडिया में नंबर 1 पे है, और इसमें मेरे को कुछ बड़ा चढ़ा के बोलने की बात नहीं है, टीम वॉरियर एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम नंबर 1 पे है। और अगर आप टीम के साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको और आपकी पूरी टीम को टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का पूरा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया एंड ग्लोबली। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।